दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामना कर रही दुनिया के सामने जल्दी एक और संकट आने वाला है। चीन के वुहान के वैज्ञानिकों ने अब कोरोना वायरस के नए वेरिएंट नियोकोप को लेकर एक चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में पूरी दुनिया में वुहान से ही कोरोना संक्रमण फैला था। अब वुहान के वैज्ञानिकों ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में नए प्रकार का वेरियंट नियोकोप मिला है। इसकी संक्रमण और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा है। इससे संक्रमित हर 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की जान भी जा सकती है। वुहान के वैज्ञानिकों के इस दावों को रूसी समाचार एजेंसी स्पुटनिक ने पब्लिश किया है। पूरी दुनिया पहले से ही कोरोना वायरस के खौफ से इस समय भयभीत है। इसके ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट इस समय पूरी दुनिया में कहर बरपा रहे हैं। ऐसे में नियोकोप से चिंता जो है वो और बढ़ सकती है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि नियोकोप वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये मर्स-कोव वायरस से जुड़ा हुआ है। ये वायरस वर्ष 2012 और 2015 के बीच मध्य पूर्वी देशों में मिल चुका है। ये SARS-CoV-2 के ही समान है जो इंसानों में कोरोना वायरस का कारण बनती है। नियोकोव वायरस दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों से मिला है। अभी ये पक्षियों में ही फैला है, लेकिन बायो रिएक्टिव वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये और इसके करीबी रूप PDF-2180 कोव इंसानों को भी संक्रमित कर सकती है। यानी कि जो इसका रूप है जिसे PDF-2180 कहते हैं वो इंसानों को भी संक्रमित कर सकती है, और इसका संक्रमण जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकता है। वहीं वुहान यूनिवर्सिटी और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोफिजिक्स के वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि नियोकोव के मात्र एक म्यूटेशन यानी कि सिर्फ एक रूप बदलने से ही ये इंसान के सेल्स में फैलने लगेगा और इंसान को संक्रमित करना शुरू कर देगा। आपको हम बता दें कि पूरी दुनिया अभी कोरोना वायरस की तीसरी लहर ओमिक्रॉन और इसके सब वेरिएंट BA.2 का सामना कर रही है। भारत समेत कई देशों में BA.2 के कई मामले सामने आ रहे हैं। दुनिया के करीब 40 देशों में अब तक इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। ऐसे में अब नियोकोव ने लोगों की चिंता जो है वो और ज़्यादा बढ़ा दी है, और पूरी दुनिया में जो सरकार है, जो प्रशासन है, अब इस नए वेरिएंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है। और हम भी आपसे कहेंगे कि आप इस वेरिएंट को हल्के में ना लें। अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण हैं तो कृपा करके टेस्ट करवाएं और जो उचित इलाज है वो आप करवाएं। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में आएँ, आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने COVID-19 वैक्सीन की डोज नहीं ली है तो हर बार की तरह हम आपसे अपील करेंगे कि कृपा करके वैक्सीन की डोज लें। अपने आप को और अपने पूरे परिवार को इस खतरनाक कोविड महामारी से सुरक्षित आप रखें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.